तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में गजब का अपडेट आया है, गजब का फीचर्स आया है मेटा एआई को लेकर के। मेटा एआई का ऑप्शन आपको व्हाट्सएप में मिल जाता है। अब इससे क्या फायदा होता है, मेटा एआई की मदद से आप अपने व्हाट्सएप में किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो, किसी भी सवाल को लेकर आप मेटा एआई से चैटिंग कर सकते हो। आप लाइव जैसे आप किसी व्यक्ति से किसी बंदे से चैटिंग कर सो, आप उस तरह से सेटिंग करके आप कोई भी अपना सवाल कोई भी बात आप उससे पूछ सकते हो। जैसे वो कोई भी चीज को आपको कोई भी क्वेश्चन सर्च करना रहता है, जिसके बारे में कुछ जानना रहता है, आप सबसे पहले ओपन करते हो गूगल और आप गूगल से पूछते हो। जैसे आपको जानना है कि भारत में खोज कैसे और कब हुआ था, आप गूगल पे जानोगे कैसे हुआ कब हुआ। लेकिन आप एक क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप में सर्च कर सकते हो, आप व्हाट्सएप में सेटिंग करके पूछ सकते हो कि भारत की खोज किसने किया। वहां से आपको सारा चीज मिल जाएगा, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, आपको सारा रिप्लाई आपको वहां मिल जाएगा चैटिंग में। अब आपको समझना है कि मेटा एक आपको इस्तेमाल कैसे करना है। ऑप्शन तो आ गया, अब इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो ऑप्शन है आने का चर्चा बहुत दिनों से चल रहा था, बाकी सब कंट्री में ऑप्शन आ गया था, लेकिन इंडिया में फिलहाल 5-10 दिन से इंडिया में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में अपडेट आ चुका है। अभी इस अपडेट को आप यूज कैसे करोगे, इस्तेमाल कैसे करोगे, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सीखने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और आपके चैनल पर नए हो, जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करके साथ में कॉल भी सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हमेशा इस तरह वीडियो मिलती रहेगी और आपका हमेशा हेल्प होगा और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल घूमने के बाद देखिए, पूरा ध्यान समझिए कि अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला है तो फिर वो ऑप्शन आपके फोन में कैसे है, मैं आपको भी बताऊंगा। पहले आप समझो कि यूज कैसे करना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपने फोन का जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है। चलिए इसको ओपन करते हैं। आप सभी पहले समझ लो कि अगर आपके फोन में मेटा एक ऑप्शन नहीं मिला, अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपके फोन में कैसे ऑप्शन आएगा, आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा वो समझो। देखिए, अब हमें आपको क्या है, आपको आना है सर्च बार में। चलिए हम आते हैं सर्च बार में और आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, व्हाट्सअप। चलो हम सर्च करते हैं व्हाट्सअप सर्च करिए और देखिए जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है आपको यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ शो करेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ऐप को अपडेट कर लेना। अगर आपका एक अपडेट नहीं रहेगा तो फिर उसमें नया अपडेट आ नहीं सकता है। अपडेट कर दोगे फिर अगर आपके फोन में ऑप्शन आता होगा, आपके फोन में ऑप्शन आ जाएगा। चलो मेरा यहाँ से ऐप जो है मेरा जो ऐप है पॉलिसी यहाँ से देखिए अपडेट किया हुआ है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करते हैं। आपको भी अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। जब व्हाट्सएप को ओपन करो आपको होम स्क्रीन पे देखो, यहाँ से व्हाट्सएप का होम स्क्रीन जो है ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको प्लस का सिंबल है, जहाँ से क्लिक करके न्यू कंटेंट को व्हाट्सएप बनाते हो, नया व्हाट्सएप क्रिएट करते हो। और देखिए इसी के ऊपर यहाँ पे देखो लिखा है, ऑप्शन मिल रहा है राउंड में गोल का, जिसे आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा एआई, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आज का मेटा एआई एनीथिंग। आप एआई से कुछ पूछ सकते हो, कुछ आप एआई से चैटिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हूँ। अब चलो इसको इस तरह स्क्रॉल करोगे या फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करोगे, तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन है, ये सब एक तरह से आप इसको टॉपिक मांग सकते हो, टॉपिक है। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टरनून टी रील्स, जिस पर आप क्लिक करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, आपका सवाल है तो सवाल आपको व्हाट्सएप दे देगा। चलो हम इससे स्क्रॉल कर देखो, बहुत सारे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई चीज पसंद नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है चैटिंग का ऑप्शन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पे क्लिक करके आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको लाइव क्वेश्चन पूछ के आपके सामने बात में दिखा रहा हूँ। चलो हम यहाँ क्या करते हैं, ये पहले 8 प्रोसेस रील्स पे क्लिक करते हैं। चलो जो ऑप्शन दिया था आपको उसी में से क्लिक क्वेश्चन पूछते, फिर अपने मन से क्वेश्चन ही पूछूंगा। देखो यहाँ से रील आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर आर सम 8 प्रोसेस रील्स फॉर यू, देखो यहाँ पे मिल गया ऑप्शन। और देखिए यहाँ पे कितना सारा चीज मिला, देखो यहाँ से कितना सारा रील मिल गया, 8 के लिए रील आप पूछे हो यहाँ पे आपको मिल गया है। चलो आपको इस पे क्लिक करके सबसे पहले फीडबैक दे देना है, हर चीज का फीडबैक देना काफी जरूरी होता है। चलो ये चीज तो हो गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना है लिख करके। हम यहाँ से क्या लिखते हैं, हम यहाँ से आते हैं सर्च बार में। चलो अब हम यहाँ से सर्च करते हैं भारत का वर्तमान पीएम कौन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं मालूम है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो यहाँ से चिन्ह कर दी, अब देखो यहाँ से रिप्लाई मिल पाता है। देखो यहाँ से हम वेट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो टाइपिंग हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो यहाँ से कितना सारा, देखो यहाँ से सच बिल आप देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ही हैज बीन इन ऑफिस सिंस मई 26 मई 2014। मतलब कि इन्होंने सबसे पहली बार प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को बना था।